नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के आटे का बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। इसके लिए हम एक पैन गरम कर लिए हैं, कढ़ाई है मेरी, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। बहुत ही कम तेल में बनने वाला यह नाश्ता है। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारी गरम हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 कप। तो आटा को हम 5 से 6 मिनट तक भून लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी। आधा कप पानी और डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिक्स करेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये डो जैसा ना बन जाए। देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल कर ठंडा कर। चावल के आटे को हम प्लेट में निकाल रहे लिए थे और ये ठंडा भी हो गया है। अब इसे हटा देते हैं और लिए हैं यहाँ पर 3 उबला हुआ आलू है, आप देख सकते हैं, और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। वापस से पैन चढ़ा देंगे। तो वापस से वही कढ़ाई चढ़ा दी हमने। अब इसमें डालेंगे तेल, कढ़ाई गर्म है हमारी, तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा चटक गया है। अब उसमें डालेंगे 1/2 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच ही कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है। सारी चीजों को भून लेते हैं। ये मसाला हमारा भून गया है, अब हम इसमें आलू को अच्छी तरह से तोड़ कर डाल देते हैं इसमें। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आलू को अच्छी तरह से इसे हम महीन कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चावल के आटे से छोटी सी गोलियां लेंगे। इस तरह से कटोरी तैयार कर ली और थोड़ा सा स्टफिंग इसे ले लेंगे। जितनी मेरी गोलियां लिए थे उसकी आधी स्टफिंग ले लेंगे और उसको इस बीच में लगा देंगे और इसे हम पैक कर देंगे। सेम हल्का सा लंबाई में शेप दे रहे हैं, देखिए इसी तरह से हम सारे को तैयार कर लेंगे। आप गोल भी बना सकते हैं इसे और इसे हम शेलो फ्राई करेंगे। एक को बना लिया और इसी तरह से दूसरी भी बनाएंगे।
तीसरी भी बनाएंगे। तो हमारी दूसरी भी तैयार हो गई। इसी तरह से हम सभी को कर लेते हैं। तो देखिए एक पैन ले लिया हमने, इसे गर्म होने देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्लो फ्राई करना हमें। तेल हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को हम मीडियम कर दिए हैं। जितने आएंगे उतने हम डाल देंगे। इसे क्या करेंगे, पलटेंगे नहीं, बस ऐसे करके हिला देंगे। थोड़े से और ये क्रिस्प होंगे तब ये पलट जाएंगे आसानी से। अब हम इसे पलट लेते हैं। देखिए ये सारे क्रिस्प हो गए। अब हम सबको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सबको बनाकर निकाल लेंगे। तो हम ये सारे नाश्ते को बनाकर निकाल लिए हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है स्टफिंग की वजह से। आप लोग इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।